खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और सीधे आपको लेकर चलते हैं मुंबई। अजय दुबे के साथ इस वक्त शिवसेना के विधायक अब्दुल सत्तार जुड़ चुके हैं। अब्दुल सत्तार ने तैयारी पूरी कर ली है मातोश्री जाने की, जहां आज उद्धव ठाकरे ने उन्हें बुलाया है, और न सिर्फ उन्हें बल्कि शिवसेना के सभी विधायकों को बुलाया। तो जरा दिखाइए अब्दुल सत्तार साहब का बैग वैग तैयार है। अजय दुबे निकल रहे हैं मातोश्री के लिए। जी देखिए, अब्दुल सत्तार जी हमारे संग हैं, अपने घर से निकल रहे हैं, गाड़ी तैयार है मातोश्री पहुंचने के लिए। अब्दुल सत्तार जी, कई दौर की बैठकें हुई सर, शिवसेना भवन में भी बैठक हुई, मातोश्री में भी कई बार बैठक हुई, बैठकों से आप बाहर भी निकले, आपने हर बार बोला कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, और देखिए आज जो परिस्थिति बन रही है लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनेगा। कितनी महत्वपूर्ण आज की बैठक होने वाली है आप लोग की? नहीं, पूरे महाराष्ट्र को जो दिन का इंतजार था वो दिन आज आ गया। समय कौन सा होगा वो तो राज्यपाल जी तय करेंगे, और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। और मैंने शुरू से ही जब भी आपके एबीपी माजा के सामने आया तब तब मैंने आपको यही बताया कि अब मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। अलग अलग अटकलें लगाई गई थी, लेकिन उद्धव जी का एक सक्षम नेतृत्व, इस महाराष्ट्र के लोगों की आशा, किसानों की आशा, गरीबों की आशा, नौजवानों की आशा, बेरोजगारों की, और वो दिन आज हमारी अभी 10 बजे मीटिंग मातोश्री पे होगी और वक्त तय हो जाएगा कि कब हमारे उद्धव जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बोल के शपथ विधि लेंगे, या अगर उद्धव जी ने चाहा कि मुझे नहीं लेना है तो वो जिसको चाहेंगे वो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप शपथ विधि का बात कर रहे हैं, पुराने कांग्रेसी हैं सर आप, देखिए सर पर टोपी कांग्रेस की अभी भी, आपके 30 साल आपने कांग्रेस में काम किया, आप शिवसेना से जुड़े हैं, आपके कांग्रेस के ही नेता हैं, सांसद हैं संजय निरुपम जी, वो कह रहे हैं कि लूली लंगड़ी सरकार बनेगी। बनेगी कैसे, चलेगी सरकार कैसे चलेगी बताइए? कैसा है जो कांग्रेस पार्टी से लूला लंगड़ा हो गया उसे अब दूसरी पार्टी अच्छी कैसी दिखेंगी, दूसरी सरकार अच्छी कैसी दिखेंगी? वो जब तक का इस मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष थे तब तक कांग्रेस अच्छी थी, जब उनको कांग्रेस ने वो पद पे से निकाल दिया तो इसलिए वो नाराजगी के अंदर ऐसा बोल रहे होंगे। पर मुझे नहीं लगता कि ये सरकार 5 साल के लिए, कोई भी इसको धोखा होगा, कहीं भी इसको शक शुभा होगा, ये सरकार खंबीर रहेगी, ये सरकार सक्षम रहेगी, और ये सरकार महाराष्ट्र के लोगों को न्याय देने में कहीं कम नहीं पड़ेगी। अब न्याय की बात कर रहे हैं सर, पर इस न्याय के लिए कॉम्प्रोमाइज कितना किया जा रहा है? वो पार्टी शिवसेना जो हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी है, वो पार्टी जिसे उग्र हिंदुत्व के लिए, स्पष्ट बातों के लिए जाना जाता है, किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करेगी? सावरकर के नाम पे कॉम्प्रोमाइज करेगी, किन किन बातों पर कॉम्प्रोमाइज करेगी? हिंदुत्व का मुद्दा कहां जाएगा सर? नहीं, आपने देखा होगा राउत जी ने जो संविधान की बात बताई, सर्वधर्म समभाव इस देश का संविधान है, और जब शपथ ली जाती है वो संविधान के हिसाब से ली जाती है, हिंदुत्ववाद के हिसाब से ली नहीं जाती है। और हिंदुत्ववाद ये पक्ष पार्टी जरूर है, लेकिन जब जो आदमी एक कोई राज्य का प्रमुख बनता है तो सारी जनता का होता है, सारे समाज का होता है, सारी जात का, सारी कौम का, सारे धर्म का होता है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्ववाद का और सेकुलरवाद का ये कोई वाद हमारे बीच में नहीं आएगा। हम दोनों समाज के लोगों को न्याय देने का काम हमारे मुख्यमंत्री करेंगे, और ये एक नया संदेश पूरे हिंदुस्तान के लिए जाएगा कि आज तक शिवसेना को जो बदनाम करने का काम होता था, आज वो शिवसेना इस महाराष्ट्र के गोर गरीब लोगों को न्याय और इंसाफ देने के लिए सामने आ रही है। अब सब बैठक के लिए जा रहे हैं, आधार कार्ड रख लिया आपने जेब में और सूटकेस आपका गाड़ी में रख लिया आपने, क्या तैयारी है? क्या बीजेपी के तोड़फोड़ का डर है अभी आप लोगों को? कहाँ रिजॉर्ट जाइएगा, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होगा, रिजॉर्ट रिपोर्टिंग के लिए आएंगे हम लोग? आज मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मैं जितना खुश है कि हमारी पार्टी, आज हमारे प्रमुख नेता हमारे बीच चर्चा करेंगे और अन करीब हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद में जो हमको आदेश दिया गया था उससे पहले सरकार बनाने के लिए जो कुछ आवश्यकताएं रहती है, आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, वो सारे हमने संगात लाए हैं। हमारा बैग भी तैयार है, हमारे सुप्रीमो, हमारे जो अध्यक्ष है, हमारे जो मेन है, हमारे जो पार्टी के चीफ है, वो जो हमको आदेश देंगे उसका आज पालन होगा। और मुझे लगता है कि भगवा झंडा ये तिरंगे के संगात विधान भवन के ऊपर लहराएगा। अच्छा, आपको डर है तोड़फोड़ का सर? अभी भी 5 दिन का सामान लेके आए हैं, रिजॉर्ट जाएंगे संभावना है, बीजेपी से टूट फूट का डर तो बना हुआ है ना पार्टी को अभी? बीजेपी से तो मैंने पहले ही बताया, बीजेपी ने तोड़ फोड़ की बात की तो हमने उसको पहले ही बताया, हम उसका सर भी फोड़ देंगे और टांग भी तोड़ देंगे, और एक आधे दवाखाने में उनको एडमिट भी कर देंगे, एम्बुलेंस भी हमारे पास तैयार है। ये आप दिमाग में से निकाल लो कि बीजेपी से हमारा कोई भी MLA, कोई भी हमारा नेता उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, वो इसमें ही परेशान है क्या? जो हमको रोज मिलते थे आज मिलने रही है, ये वजह क्या है? मैंने बोला इसका आप अभ्यास करो, इसकी आपको सोच विचार करना जरूरी है कि क्यों ऐसी ये परिस्थिति निर्माण हुई। और इसके लिए मैं बोलता हूँ कि कोई हमारा MLA, हमारा छोड़ो शिवसेना का,
राष्ट्रवादी और कांग्रेस का भी कोई भी एमएलए फूटने वाला नहीं और इनसे फूट भी नहीं सकता। ठीक है अजय, अब्दुल सत्तार साहब खुशी इनके चेहरे पर साफ तौर पर झलक रही है, मीटिंग के लिए निकल रहे हैं,